दोस्तों, क्या भारत का सबसे अच्छा दोस्त अब डिफेंस एक्सपोर्ट में हमारी तरक्की देखकर हमसे जल रहा है? और अगर ऐसा है तो भारत आखिर क्या रिएक्शन देगा? दरअसल हम बात कर रहे हैं रूस के बारे में, जो पिछले 70 सालों से डिफेंस के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। लेकिन क्या अब यही रूस डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की तरक्की देखकर हमारे लिए अड़चन पैदा कर रहा है? क्योंकि आर्मेनिया की तरफ से जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है वह काफी चिंताजनक होने के साथ साथ चर्चा का विषय बन चुकी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे न सिर्फ हम अपडेट के बारे में बात करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे रूस, जो आर्मेनिया का सबसे अच्छा डिफेंस पार्टनर हुआ करता था, आज उसके साथ आर्मेनिया के संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि खुद आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने बयान देते हुए कहा है कि वह अब रूस पर अपनी सुरक्षा जरूरत के लिए भरोसा नहीं कर सकते। तो चलिए इस पूरी डेवलपमेंट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सारा मामला तब शुरू हुआ जब आर्मेनिया की एक फॉर्मर लॉ मेकर ने अपने बयान में कहा कि आर्मेनिया द्वारा भारत से खरीदे गए एडवांस हथियारों की डिलीवरी पहुंचने में ईरान अड़चन डाल रहा है और ऐसा ईरान रूस की तरफ से दबाव की वजह से कर रहा है। इस बयान ने चारों तरफ हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि अगर ये बात सच निकली तो ये भारत और रूस के बीच रिलेशन को काफी जटिल बना सकता है। आर्मेनिया की फॉर्मर लॉ मेकर की तरफ से ये बयान सामने आने के बाद चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई। अभी तक इस बयान को वैलिडेट नहीं किया जा सका है, लेकिन इसमें थोड़ी सच्चाई नजर आती है, क्योंकि कुछ समय पहले एक रशियन कंपनी ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लॉन्च व्हीकल सप्लाई करने के लिए हामी भरी थी, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। लेकिन किसी अनजान कारण की वजह से इस रशियन कंपनी ने बाद में आर्मेनिया को लॉन्च व्हीकल की सप्लाई नहीं की, जिससे डिलीवरी में काफी चुनौतियां देखने मिली। रूस का ऐसा करना इस बात को दर्शाता है कि वह आर्मेनिया तक क्षमता होने के बावजूद भी जरूरी सिस्टम पहुंचाने से कतरा रहे हैं, और इसकी वजह से ईरान पर रूस का दबाव डालने जैसी थ्योरी भी काफी हद तक सच लगने लगती है। अब सवाल उठता है कि आखिर रूस आर्मेनिया के साथ ऐसा करेगा क्यों, क्योंकि रूस और आर्मेनिया के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। फिर अजरबैजान के साथ युद्ध के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि रूस आर्मेनिया को पहुंचने वाले भारतीय हथियारों की डिलीवरी में अड़चन पैदा कर रहा है? तो इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्मेनिया अजरबैजान के साथ युद्ध के समय से ही रूस से नाराज है, क्योंकि तब रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से वह आर्मेनिया की मदद के लिए कुछ खास कदम नहीं उठा सका। जबकि अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से खुला समर्थन मिला, जिसका नतीजा हम जानते हैं कि अजरबैजान ने न सिर्फ आर्मेनिया को युद्ध में हराया और काफी नुकसान पहुंचाया, बल्कि आर्मेनिया की एक बड़ी जमीन पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद से आर्मेनिया को एहसास हो गया कि वह फिलहाल रूस पर अपनी सुरक्षा जरूरत के लिए भरोसा नहीं कर सकती। तभी से आर्मेनिया ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया और वह भारत, फ्रांस समेत अमेरिका जैसे देशों के नजदीक जाने लगे, जिसको लेकर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने बयान भी दिया था कि वह अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत करेंगे, क्योंकि वह रूस पर अपनी सुरक्षा जरूरत के लिए भरोसा नहीं कर सकते। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इन सभी घटनाओं की वजह से आर्मेनिया और रूस के संबंध लगातार कमजोर हो चुके हैं। ऊपर से क्योंकि आर्मेनिया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO का मेंबर है, जो एक तरह से रूस द्वारा बनाया गया नेटो माना जाता है, और इसका सदस्य होने के बावजूद आर्मेनिया का अपनी सुरक्षा के लिए रूस के बजाय अमेरिका पर भरोसा दिखाना काफी बड़ी बात है, जिसकी वजह से रूस आर्मेनिया के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। क्योंकि अगर आर्मेनिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया तो रूस न सिर्फ यूरोप के साथ बल्कि अपने नजदीक के बॉर्डर पर अमेरिकी मिलिट्री देख सकता है। आप अभी तक ये तो समझ गए होंगे कि अगर आर्मेनिया की फॉर्मर लॉ मेकर की तरफ से दिए गए बयान और थ्योरी में कोई भी सच्चाई है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अगर ये सच हुआ तो इससे भारत और रूस के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, अगर ये बात सच निकली तो इससे भारत रूस से काफी नाराज होगा, क्योंकि चाहे वजह कुछ भी हो, भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट में अड़चन लाना भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें दुनिया भर में अपने हथियारों की सप्लाई के लिए हमेशा अल्टरनेटिव रूट तैयार रखना चाहिए, ताकि इस तरह की परेशानी को तुरंत सुलझाया जा सके। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आर्मेनिया की फॉर्मर लॉ मेकर की तरफ से लगाए गए एलिगेशन काफी गंभीर है, और जब तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलती तब तक कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि फरवरी 2024 में जब इस मामले पर आर्मेनिया में ईरान के राजदूत से सवाल किया गया था, तब उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है,
रहा है कि या सच में आर्मीनिया तक जाने वाले भारतीय हथियारों की डिलीवरी में ईरान रूस के कहने पर अड़चन पैदा कर रहा है या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।